दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और बीच में तो बिल्कुल भी मत छोड़ें। और फिलहाल तो दोस्तों इसमें देखने को ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक सिर्फ छोटी सी कहानी है, लेकिन जो भी है मेरे ख्याल से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा भी कि आप सभी तक पहुँचे। तो आइए फिर सुनते हैं। दोस्तों कहानी कुछ इस तरह है कि एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। उसे जब भी फुर्सत मिलती थी वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता था। वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ता था, आम खाता था, खेलता था, थक जाने पर उसी की छाया में सो जाया करता था। और दोस्तों इसी के चलते उस बच्चे और आम के पेड़ के बीच में एक अनोखा रिश्ता भी बन चुका था। लेकिन दोस्तों बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया और कुछ समय बाद तो उसका आना बिल्कुल ही बंद हो गया। उधर आम का पेड़ उस बच्चे की याद करके कई बार अकेले में रोता भी था। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और फिर उसके पास आने पर कहा कि तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे रोज याद किया करता था, चलो आज हम लोग फिर से दोनों खेलते हैं। तो उस बच्चे ने आम के पेड़ से कहा कि अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, अब मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। तो पेड़ ने कहा तो एक काम कर, मेरे सारे आम ले जाकर बाजार में बेच दे, उससे तुझे जो भी पैसे मिले उससे अपनी फीस भर देना। तो दोस्तों उस बच्चे ने उस आम के पेड़ के सारे आम तोड़ लिए, उन सभी आमों को लेकर वहाँ से चला गया और उसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया। उधर आम का पेड़ उसकी रोज रात दिखता रहता। फिर दोस्तों वो बच्चा एक दिन फिर से आया और उससे बोला कि अब मुझे नौकरी मिल गई है और मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मुझे मेरा अपना घर बनाना है और जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस आम के पेड़ ने उससे फिर से कहा कि तू मेरी सभी डाली को काट कर ले जा और उसे अपना घर बना ले। तो उस लड़के ने उस पेड़ की सभी डालियों को काट लिया और उसको लेकर चला गया। और अब दोस्तों आम के पेड़ के पास अब कुछ भी नहीं था और वो बिल्कुल बंजर हो गया था और उसे कोई अब देखता भी नहीं था। और पेड़ ने भी ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो लड़का उसके पास फिर से आएगा। फिर दोस्तों एक दिन अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही लड़का हूँ जो बार बार आपके पास आता था और आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर मेरी मदद करते थे। तो आम के पेड़ ने बड़े ही दुख के साथ कहा कि बेटा अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो उसने भी अपनी आंखों में आंसू लिए कहा कि आज मैं आपके पास कुछ भी लेने नहीं आया हूं, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है और आपकी गोद में सर रखकर सो जाना है। और इतना ही कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और दोस्तों आम के पेड़ की जो सूखी डाली थी वो फिर से अंकुरित हो उठी। तो दोस्तों यहाँ आम का पेड़ कोई और नहीं बल्कि हमारे माता पिता हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए और पास भी तभी आए जब कोई ज़रूरत पड़ी या फिर कोई समस्या खड़ी हुई। तो दोस्तों आज भी कई माँ बाप उसी बंजर पेड़ ही की तरह हैं जो अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, तो जाकर उनसे लिपटे, उनके गले लग जाएं, फिर देखना वृद्धावस्था में भी उनका जीवन फिर से कैसे अंकुरित हो उठेगा। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार।